कर दो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ड्राइव एक्सपो। तो आज की वीडियो का वैसे आपको टाइटल से समझ आ गया होगा, थंबनेल से भी आ गया होगा कि आज वीडियो में आपको हम क्या दिखाने वाले हैं। तो जी हाँ, हम ले रहे हैं टाटा टियागो ईवी XTLR वेरिएंट है, यानी कि लॉन्ग रेंज का बेस वेरिएंट है वो। 250 किलोमीटर की कंपनी उसकी रेंज क्लेम करती है, तो वो वाला उसकी आज हमने डिलीवरी लेनी है। और हम वैसे फरीदाबाद रहते हैं, और यहाँ से अब हमने जाना है आपका सेक्टर 47 गुड़गांव, टाटा ईवी का वहाँ पर स्पेसिफिक आउटलेट है। मिल तो फरीदाबाद में भी रही थी, पर वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही सस्ती मिल रही थी, 40,000 का डिफरेंस आ रहा था फरीदाबाद और गुड़गांव में। और गाड़ी भी एकदम नई मिली है, तो गाड़ी भी आपको वहाँ जाके दिखाते हैं। इससे पहले आपको बुकिंग की वीडियो में गाड़ी थोड़ी सी हमने दिखाई दी थी, बाकी गाड़ी भी ऐसे नहीं कि कोई वेटिंग पे है कुछ है, वो सब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। गाड़ी हमने 10,990 की पड़ी है हमें, XTLR हमने यही क्यों ली, 10 लाख के अंदर और कोई गाड़ी नहीं, 10 लाख में i20 भी आ जाती, बतेरी गाड़ियाँ आ जाती 10 लाख के अंदर। सेकेंडरी कार चाहिए थी क्योंकि भैया के पास ये भी थी, मेरे बड़े भैया हैं, उन्होंने 2020 में ये ली थी, दिसंबर 2020 में, अर्टिगा VXI CNG ये उन पे थी पहले, ये हो चुकी एक्सपायर, 15 साल हुए, पर वो सेल नहीं कर सकते, कुछ रीज़न है इसको सेल नहीं कर सकते वो, तो ये तो साथ ही रहेगी जब तक रहेंगे, खड़ी रहेगी ऐसी घर के पर रहेगी। अब दूसरी गाड़ी चाहिए तो उसके लिए फिर टियागो ईवी है, और वो लेने अब हम जा रहे हैं गुड़गांव। तो क्यों ली वो सब आपको इसके अगली वीडियो में बताएंगे, और हाँ टाटा की एक PDI की वीडियो भी बताएंगे, टाटा वाले फ्रॉड बहुत करते हैं, वो सब भी आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कैसे कैसे होता है, आपको कैसे बच के रहना चाहिए उस चीज़ों के लिए। तो चलो, वैसे ये गाड़ी पुरानी भी उसको तो पता ही होगा कि ये गाड़ी हमने दिसंबर 2020 में ली थी, और बहुत मुश्किल से मिलती थी उस टाइम VXI CNG अर्टिगा, वाइट कलर तो बहुत मिलता था, मैग्मा ग्रे कलर, और इसका ब्लू कलर उस टाइम बहुत डिमांड में रहता था, और इस पर हमने फिर वो नंबर भी लिया था 0090। और हाँ, अगर किसी को इस पर वीडियो चाहिए ना, तो 1 लाख+ किलोमीटर भैया चला चुके हैं, अगर ओनरशिप एक्सपीरियंस चाहिए VXI CNG अर्टिगा का, 1 लाख+ है इसकी रेटिंग, चाबी नहीं होना मैं आपको दिखाता। तो अगर आपको इसका ओनरशिप एक्सपीरियंस की वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो। बाकी फटाफट आपको ले चलते हैं शोरूम की ओर और दिखाते हैं आपको गाड़ी। बाकी ये हमारी धनु बारिश में खड़ी खड़ी गंदी हो रही है। चलो फटाफट आपको रास्ते में थोड़े से शॉर्ट्स दिखाते हैं, फरीदाबाद टू गुड़गांव चलते हैं, 1.5 घंटे का रास्ता है शोरूम का यहाँ से, वैसे किलोमीटर ज़्यादा नहीं, 38 किलोमीटर ही है, पर रास्ते में जाम इतना मिलेगा ना फरीदाबाद गुड़गांव रोड पे, वो दिमाग ख़राब करेगा। तो चलो फिर अब आपको शोरूम पे मिलते हैं, गाड़ी दिखाते हैं और उसे घर लेके आते हैं। तो आ चुके हैं हम जाम से लड़ते झड़ते टाटा के ईवी आउटलेट सेक्टर 47 गुड़गांव पे, गाड़ी भी मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे है, अभी दिखा देते हैं आपको गाड़ी, बाद में भी दिखाएंगे कितने की पड़ी, वो सब मैंने आपको पहले बताया, आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा पूरा जब गाड़ी घर पहुंच जाएगी। अभी यार डिलीवरी की वीडियो रखते हैं, सिंपल एंड सोबर एकदम। बाकी इस आउटलेट की आपको लोकेशन वगैरह जो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब कुछ। बाकी गाड़ी भी आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर होगी डिलीवरी, एक अभी पंच की हो रही है, इसके बाद हमारा नंबर है जहाँ तक उम्मीद है, या तो पहले वो होगी फिर हमारी होगी। तो ये है जी हमारी वाली डेटोना ग्रे कलर XTLR। नाइन्टी चार्ज्ड है और 23 किलोमीटर चली हुई है, 186 किलोमीटर की रेंज आ रही है। ये परफ्यूम, चलो जी देखते हैं। हाँ जी एकदम बढ़िया, अब बाकी ये डिस्पैच कब हुई थी टाटा के यार साहब, देख लो 10/7/2024 और आज डेट हो गई 17, मतलब 7 दिन पहले पुणे से चली है टाटा के प्लांट से और आज हमारे पास आ भी गई। बाकी इन्होंने हमें कॉम्प्लीमेंट्री ये आपके इनके क्या बोलते हैं कारपेट्स दिए हैं, मतलब एक बेसिक किट फ्री दिया है इन्होंने हमें, और ये इसका मैट से इन्होंने लगाया नहीं है, चलो इसे मैं बाद में लगाता हूँ नीचे हुक मैट करने। बाकी हाइट एडजस्टेबल सीट्स नहीं है इसके अंदर, नॉर्मल बेसिक है। गाड़ी में आपको एक बार दिखा दूँ, वेरिएंट एक बार फिर बता दो, XTLR है, यहाँ पे इसके पावर विंडोज को ORVM से एडजस्ट करने कंट्रोल है। और एक चीज़ जो अजीब थोड़ी लगी, इसके साथ स्पेयर टायर नहीं आता, पंचर रिपेयर किट आती है, वो मैं आपको दिखा दूँ, तो यहाँ पे रखा, अरे यार अंदर से खोलनी पड़ती है, यहाँ पे भी ऑप्शन नहीं है इसमें, पूरा घूम तो ये तो पोर्टेबल चार्जर है,
ये आपका घर पे लगेगा, और ये है इसकी पंचर रिपेयर किट, टायर पंचर किट पार्सल ड्रेस वेरिएंट में आती नहीं है, वो एसेसरीज में हमने लेनी भी सोची लेकिन अभी अवेलेबल नहीं है। और नीचे इसमें देखो कुछ नहीं है, एक एडवांस वार्निंग ट्रायंगल, और यहाँ बैटरी के चक्कर में ऊपर तक पूरा फ्लोर भरा हुआ है। अभी गाड़ी रेडी हो रही है, डिलीवरी लेते हैं और चलते हैं घर, आपको आगे दिखाते हैं। तो डिलीवरी से पहले गाड़ी फुल चार्ज होकर मिल रही है, वैसे तो 97% थी, डीलर चाहता तो रहने देता, पर अब पूरी 100 करके दे रहे हैं, 99 ही हो चुकी है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक तो एक चीज़ और बता दूँ साथ साथ, कई बार बताना रह जाता है, तो ये चार्जिंग पे जैसे लगी हुई है गाड़ी, अब बाई चांस आप चार्जिंग से गाड़ी हटाने वाले हो, जैसे भी देखो 99% हो चुकी है, हट गया वैसे तो, बाद में देखूंगा। और जब आपको चार्जिंग से हटाना है तो आपको पहले ये बटन प्रेस करना है, जिसको पता है कोई बात नहीं, जिनको नहीं पता उनके लिए, कोई नया ओनर हो लेने वाला हो वीडियो देख रहा हो, तो आपको पहले ये बटन प्रेस करना है, उसके बाद आपका चार्जर निकल जाएगा, ऐसे जोर नहीं लगाना है यहाँ पे खींचने के लिए, ठीक है। तो बाकी ये तो हो गई, गाड़ी चार्ज हो रही है, अभी इसकी डिलीवरी स्टार्ट होने वाली है, बस अंदर केक कटिंग के लिए अंदर बुलाएंगे, उसके बाद गाड़ी लेकर निकलते हैं फरीदाबाद। शोरूम को टाटा बाय करने का टाइम आ गया, 8 बज गए, 6 बजे गए हुए हैं, गाड़ी बाहर ढक के रेडी हो चुकी है, बस फटाफट डिलीवरी लेनी है, की हैंड ओवर का प्रोसेस लेना है। बाकी एक बार आपको शोरूम दिखा देता हूँ, ये देखिए टाटा फोकस, ऊपर टाटा ए वी सोना रोड शोरूम एंड चार्जिंग यहाँ पे अवेलेबल है, जो गाड़ी चार्ज करनी वो भी यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं। बाकी ये आउटलेट है, अब आपको हम गाड़ी दिखा देते हैं, हमारी गाड़ी कहाँ खड़ी है, हमारी गाड़ी थोड़ी आगे खड़ी है, वो ढक चुकी है, बस अब थोड़ा ये हो गया कि थंबनेल सोच रहे थे बढ़िया लेंगे, पर अब थंबनेल बढ़िया नहीं आएगा, अभी देखते हैं, कोई बात नहीं, जो आएगा वो देख लेंगे।
हाँ वो भी हो सकता है।